नमस्ते बच्चों, हमने पाठ 9 पढ़ा था। नन्हे चांद के विषय में हमने पाठ पढ़ा था। आज हम उसी विषय में एक कविता पढ़ेंगे। ये देखिए, सुंदर कविता है, आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसमें से आपको अगर प्रश्न पूछूंगी तो आपको उसका भी जवाब देना है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े में मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत मुझको जादू टोने। एक माप में कभी कभी नहीं मुझ तुझको देखा करती हूँ, कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, अब तू ही यह बता नाप तेरा किस रोज लिवाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। देखो, ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कितनी सुंदर कविताएं जो है चांद के विषय में लिखा है कि नन्हा चांद, मतलब छोटा चांद। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, ऐसे छोटा चांद भी अपनी माँ से जिद करता है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। हट कर मत, हट मतलब जिद, जिद कर बोलता है कि माँ मुझे एक झिंगोला सिलवा दो, माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन का एक मोटा झिंगोला मतलब कपड़े मेले, कपड़े सिलवा बोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े में मरता हूँ, मतलब रात भर जो है ठंडी हवाएं चलती है जिससे मुझे बहुत जाड़ा लगता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मैं जो है पूरी रात को यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, मतलब आसमान का सफर देखो कितना बड़ा आसमान होता है। तो चांद कहता है मैं पूरे आसमान की सफर करता हूँ, तो सोचो मुझे कितनी ठंड लगती होगी। न हो अगर तो ला दो मुझको कुर्ता ही भाड़े का। वो अपनी माँ से कहता है अगर तुम सिलवा नहीं सकती हो तो कहीं से भाड़े पर ही, किराए पर ही मिले कुर्ता लेके आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, माँ ने जो है उस पर दया खा कर, अरे मेरे बच्चा देखो कैसे मुझसे कह रहा कि भाड़े का ही ले आओ करके। ठीक है, तो फिर माँ कहती है कुशल करे भगवान लगे मत मुझ तुझको जादू टोने। तो कहती है किसी की तो तेरे को नजर ना लगे, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कहती है कि बेटा अगर मैं तेरे लिए लाऊं तो लाऊं भी कैसे, क्योंकि तुम्हारा कभी भी एक माप नहीं होता है। आप लोगों ने चांद को देखा होगा ना, कभी छोटा कभी बड़ा। ये देखो चांद का चित्र दिखाई दे रहा है कि कभी चांद छोटा है होता है तो कभी बड़ा होता है। तो इसी प्रकार माँ कहती है अगर मैं तुमको झिंगोला भी सिलवा दूँ तो तुमका तुम्हारा तो एक माप कभी होता ही नहीं है। कभी एक उंगल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, कभी तुम एक उंगल भर चौड़ा हो तो और कभी जो है एक फुट के बराबर बड़े हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, कभी घट जाते हो कभी बढ़ते हो। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ते, और किसी दिन तो ऐसा है कि किसी को दिखाई भी नहीं देते हो, एकदम छुप जाते हो। मतलब ये देखो अमावस के दिन जो है चांद एकदम छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। अब तू ही यह बता नाप तेरा किस लोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आ। अब तुम ही सोचो मैं तुम्हारा एक दिन नाप लेके ला दिला दो और एक झिंगोला सिल दो। अब सोचो कैसा नाप लेगी माँ, क्योंकि वो तो कभी छोटा कभी बड़ा होता है। ये देखो चांद का आपको चित्र दिख रहा है, यहाँ सफेद दिख रहा है, मतलब उस दिन पूर्णिमा होती, पूरा चांद जो है चमकता है। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर धीरे 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 15 दिन के अंदर जो है वो, ये देखो पूरा अंधेरा, अमावस हो जाता है, एकदम काला पड़ जाता, उस दिन जो है चांद दिखता भी नहीं है। चलो अब नीचे जो है प्रश्न दिए गए हैं, लिखो। अब आपको इसको समझना है, लिखो। देखो ये दौड़ा दौड़ी,
मनीष दौड़ा मीना दौड़ी, मतलब ये पुल्लिंग में आते हैं और ये स्त्रीलिंग में, तो आप लोगों को ये समझना, ये उदाहरण है उसी के हिसाब से नीचे लिखना। खेली खेला, यहाँ पे मैं खेली तुम खेला, फिर तुम खेले या कुछ भी, फिर हम दो, जब दोनों के लिए आ जाता है तो उसमें हम तुम खेलेंगे या खेले। फिर उसमें देखो मनीषा और मीना दौड़े, चली और चला, सुनीता और जनक, सुनीता चली जनक चला, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है सुनीता और यहाँ पे लिखना है जनक, तो सुनीता और जनक चले। चलो उससे आगे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे लिखो और पढ़ो, ये जो है खाली जगह है, यहाँ पे भी आपको वही करना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग और यहाँ पे पुल्लिंग, कोई भी शब्द लिखने हैं, जैसे बात है चाचा चाची नाना नानी, खाएगा खाऊंगी या खाएगा या गाऊंगी या गाएगा, मतलब ऐसे ही उदाहरण आपको लिखने हैं, एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में। फिर नीचे है लिखो, अब ये देखो लिखना है, तीन चित्र दिए गए हैं, उसमें सूरज के विषय में लिखा है, देखो सूरज, ये सूरज दिख रहा है, इसमें लिखा है मैं सूरज हूँ, मैं सुबह उगता हूँ, चंद्रमा मेरा मित्र है, वह रात को और कभी कभी दिन में दिखाई देता है। ये तो है उदाहरण। उसके नीचे है आपको देखो चांद का चित्र दिख रहा है, अब चांद के विषय में आपको लिखना है, मैं चांद के विषय में आपको बताती हूँ, तारे के विषय में आपने खुद लिखना है, चांद के मैं चंद्रमा हूँ, मैं रात को दिखाई देता हूँ और मैं कभी छोटा और कभी बड़ा होता हूँ। इसके आगे चंद्र तारे के बारे में आपको खुद लिखना है। चलो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।